वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग बीपीएससी 69th के प्री एग्जाम के लिए मैथ्स और रीजनिंग के कुछ मिसलेनियस प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप भी 30 सितंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फिर ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोगों ने दो क्लास कवर कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा, है ना। आपको बीपीएससी एग्ज़ाम से पहले तकरीबन 8-10 टेस्ट सीरीज़ कराए जाएंगे जो मैथ्स और रीजनिंग के जुड़े होंगे। उतने में आपको एग्ज़ाम में 10 से 12 या बीपीएससी में जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते हैं सब आप आराम से टैकल कर लेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको धमाकेदार क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप हमारी टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टीम का नंबर दिया गया, आप संपर्क कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, वहाँ से बैच सेक्शन में जा करके जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं आप उसके लिए फोर्स परचेज कर लीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम पर @studyforcivilservices सर्च करके ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जितने भी प्रकार के नोटिफिकेशन जितने भी प्रकार के अपडेट्स हैं सब आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, पहला क्वेश्चन क्या है, 5 मित्रों में ए बी की तुलना में भारी है, सी डी की तुलना में हल्का है, बी डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है, इनमें सबसे भारी कौन है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन है, आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का एक प्रश्न है, इसको कैसे टैकल करेंगे चलिए साथ में करते हैं। देखिए ए बी की तुलना में भारी, देखिए ए जो है ये भारी है बी से, ठीक ये हमने सेट कर लिया। सी डी की तुलना में हल्का है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो देखिए सी डी की तुलना में हल्का है, बी डी की तुलना में हल्का है, देखिए जो बी है ये डी से हल्का है तो डी से हल्का बी भी हो जाएगा, लेकिन ई से भारी है, मतलब जो बी है ना ये ई से भारी है, ठीक ये हो गया। इनमें सबसे भारी कौन है, देखिए इसको सेट करते हैं। डी जो है ना, देखिए 5 फ्रेंड है, 1 2 3 4 5 5 फ्रेंड है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, अगर हम लोग सेटलमेंट करें तो देखिए डी के डी से पीछे 3 लोग हैं, है ना, तो डी से पीछे देखिए 1 2 और ये तीसरा, ये 3 लोग हैं तो डी को आप यहाँ पे सेट करेंगे, है ना। अब डी को यहाँ पे सेट करने के बाद देखिए क्या होगा, डी को यहाँ पे सेट करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि सी भी डी से हल्का है, बी भी है, ई भी है ना। इस क्वेश्चन में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है ना, मतलब यहाँ पे टाइपिंग की वजह से लगता है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। अगर मिसिंग नहीं होता तो एक आध क्ल्यू और होता। आप देखिए इस क्ल्यू के माध्यम से आप सेट करेंगे, आपने डी को यहाँ पे सेट किया है ना, अब डी को यहाँ पर भी तो सेट कर सकते हैं, है ना। इसमें कहाँ ऐसे बोला है कि डी सबसे भारी नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डेटा मिसिंग है, आप ये पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी क्या होगा कि ई मान लीजिए बी से छोटा है तो ई को हमने यहाँ कर दिया, है ना। अब बी और सी में पॉसिबिलिटी है, क्लियर नहीं है कि बी बड़ा है कि सी बड़ा है ना, तो आप यहाँ पे बी या सी में से किसी को भी पुट कर सकते हैं, बी या सी में से किसी को पुट कर सकते हैं। और डी और ए की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे बी से भारी डी है और बी से भारी ए है, यहाँ पर भी कुछ क्लैरिटी नहीं है तो यहाँ पे डी और ए में से किसी को भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी डी और ए में से किसी को भी पुट कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन ये बनेगा, इसमें कोई ना कोई डेटा मिसिंग है। अभी वर्तमान में हम लोग इस क्वेश्चन को जैसा लैंग्वेज यहाँ पे दिख रहा है उस हिसाब से टैकल कर रहे हैं, बाकी इसमें अगर डेटा मिसिंग नहीं होता, मान के चलिए एक लाइन इसमें हम लोग और ऐसा ऐड कर देते हैं, है ना, कि ए डी से हल्का है, ठीक है। अगर ये वर्ड ऐड कर देते हल्का है, अगर ए डी से हल्का हो जाता तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए को ना आप बाद में बनाते तो ये वाला सेटलमेंट सही होता। अगर ऐसा बनता कि ए डी से भारी है तो ये वाला सेटलमेंट सही बनता। अब जैसा क्वेश्चन बनता वहाँ से उस हिसाब से टैकल करते, बाकी अभी जितना इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सबसे भारी है, ठीक। इसमें कुछ ना कुछ डेटा मिसिंग है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के सामने। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोग होल्ड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा, अगर आप क्या करेंगे ए देख यहाँ पे देखिए ए को आप क्या करेंगे बी से भारी बना लेंगे, ठीक। इसके बाद सी जो है डी की तुलना में हल्का है, देखिए डी जो है ना डी यहाँ पे आएगा, सी इससे हल्का हो जाएगा, ठीक है। बी डी की तुलना में हल्का है, देखिए जो बी है ना वो डी की तुलना में हल्का है, बी को आप क्या करेंगे डी से हल्का बना लेंगे, है ना, ये हो जाएगा, लेकिन ई से भारी है ना,
तो बी जो है ये ई से भारी है, ये हो जाएगा। इन सब में सबसे भारी कौन है? देखिए यहाँ पे अभी भी तो क्लैरिटी नहीं, ये तीन का स्टेटस क्लियर हो गया है ना, डी बी ई इसका स्टेटस क्लियर हो गया है ना। अब देखिए एक चीज समझिएगा, डी से छोटा सी है, सी को आप कहाँ पुट करेंगे? यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। और डी से बड़ा कौन है? ए है ना। तो मान के चलिए अगर हम लोग यहाँ पे इस, ठीक है ठीक है, यहाँ पे सी को कहाँ पुट करेंगे? और यहाँ पे देखिए बी से भारी ए है ना, बी से भारी ए। अब ए को यहाँ फिट करें या यहाँ फिट करें नहीं पता है। अगर यहाँ पे अगर मान के चले कॉन्जिक्यूटिव एकदम बोला जाता तब आप इसको ऐसे मतलब ए को यहाँ पे फिट कर लेते। तो इस क्वेश्चन में अभी क्लैरिटी नहीं है, कुछ ना कुछ डेटा मिसिंग है ना। तो वो डेटा क्या मिसिंग है वो क्वेश्चन जैसा रहेगा देखा जाएगा। ठीक, अभी वर्तमान में हम लोग इस पैटर्न को अगर सही मान रहे हैं तो हम इसमें ए को टिक कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सीरीज कंप्लीशन का है ना। देखिए दिया है निम्नलिखित अनुक्रम की पूर्णता हेतु चारों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। चार ऑप्शन दिए आपको, इसमें से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए जब भी आपके सामने सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन रहे, इसको करने का सीधा सा तरीका ये होता है कि सीरीज को आपको अपने हिसाब से छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेना। देखिए इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे चार, चार आठ, चार बारह और चार सोलह, ठीक है, सोलह वर्ड्स हैं। तो इसको हम लोग ऐसे चार चार के पैटर्न में तोड़ लेते हैं ना। जब चार चार के पैटर्न में आपने तोड़ लिया, अब इसके बाद क्या करना है, अब देखना है कि कौन सा सीरीज पूरा है और उसमें क्या कोड चल रहा है। देखिए हम देखेंगे यहाँ पे पहले में मिसिंग है ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में भी मिसिंग है, लास्ट में देखिए यहाँ पे बी ए दिख रहा है, तीसरे में भी मिसिंग है और चौथा कंप्लीट है। चौथे में आपको बी ए बी ए मतलब बाबा का सीक्वेंस दिख रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे बाबा सेट हो रहा है कि नहीं। अगर हम पहले में बी भरेंगे फिर ए भरेंगे, बाबा सॉरी बी और बी ए बी ए बिल्कुल सही है ना, बी ए बी ए बिल्कुल सही है, बी ए बी ए बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पे बाबा का पैटर्न बन रहा है, क्या सही हो जाएगा, बी 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 ए ए ए है ना, ये यहाँ पे फिल करना था। अगर आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहले में दो बी है नहीं मैच करेगा, तीसरे में तीन बी है मैच करेगा है ना, यहाँ पे भी देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन जब भी रहेगा, इसको करने का तरीका क्या है, सीरीज को आपको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है। सीरीज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद क्या करेंगे, उसको फिर आगे बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे निम्न श्रेणी 27, 3, 216 और लुप्त संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे जो 27 है, अगर 27 के क्यूब रूट को लिया जाए तो आपका आंसर मिलेगा 3 है ना। इसी तरीके से अगर 216 का क्यूब रूट देखेंगे तो 216 का क्यूब रूट कितना होता है ना, 6 होता है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी है ना। तो ये एक तरीके से एनालॉजी का एक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, या आप नंबर सीरीज मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले पैटर्न पर वाओ, काउंटिंग ऑफ फिगर है ना। काउंटिंग ऑफ फिगर पीसीएस में एक क्वेश्चन तो 100% आता है ना, पीसीएस या फिर किसी भी प्रकार के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पेपर है, तो उसमें एक काउंटिंग ऑफ फिगर जरूर आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए आकृति में कितने त्रिभुज है। काउंटिंग ऑफ फिगर मैंने आपको बेसिक पढ़ा रखा है ना। देखिए काउंटिंग ऑफ फिगर में आपको ये बताया गया था, जब कभी भी आपके सामने कोई स्क्वायर बने है ना, ये स्क्वायर जितने पार्ट्स में डिवाइड होगा उतने ट्राइंगल, उसका डबल ट्राइंगल होगा। देखिए एक, दो, तीन, चार, अगर चार पार्ट्स में डिवाइड है ना तो यहाँ पे आप लिखेंगे चार गुड़े दो ट्राइंगल होगा। अगर ये छह पार्ट में डिवाइड होता तो छह गुड़े दो मतलब बारह होता। ठीक है, तो यहाँ से इस आकृति को देखेंगे, देखिए इस आकृति को देखेंगे है ना, यहाँ पे देखिए यही बॉक्स बन रहा है ना। बॉक्स बनने का मतलब ये देखिए एक दो तीन चार है, मतलब आठ ट्राइंगल तो यहाँ पे मिल जाएगा है ना। और दूसरे कॉन्सेप्ट में आपने ये सीखा था, अगर किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं त्रिभुज को छह पार्ट्स में डिवाइड करती हैं तो त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होती है, सोलह है ना। तो आठ आपको यहाँ से मिल जाएगा और ये देखिए त्रिभुज रहा है ना, और इसकी मध्यिका ये है, त्रिभुज को छह पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे सोलह ट्राइंगल मिलेंगे, सोलह और आठ चौबीस, चौबीस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए है ना। आपने आसानी से कैलकुलेट कर लिया है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वाओ, एक बार फिर से सीरीज का क्वेश्चन है ना। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, पहले आप काउंट कीजिएगा कितने पैटर्न मतलब यहाँ पे वर्ड्स हैं, लेटर हैं है ना। देखिए यहाँ पे दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, अठारह है ना, अठारह है। तो अठारह के सिक्वेंस में हम तीन तीन के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या फिर छः छः के पार्ट में कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, तीन तीन के सीक्वेंस में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे है ना, तो यहाँ पे यार रुकिए एक बार और काउंट करते हैं, चार, चार आठ, चार बारह,
16 18 है ना, तो हम लोग 6 6 का सीक्वेंस तोड़ते हैं। देखिए 3 3 6 ये सीक्वेंस टूटा, 3 3 6 ये सीक्वेंस टूटा है ना। अब देखिए यहाँ पे आप इसमें देखिएगा क्या सीक्वेंस हमको दिख रहा है, यहाँ पे ए से स्टार्ट है ना, देखिएगा ए से स्टार्ट है, यहाँ पे बी ए से स्टार्ट है, यहाँ पर भी ए से स्टार्ट है, मतलब स्टार्टिंग सही है ना। देखिए फिर यहाँ पे बी बी है, यहाँ पर भी बी बी है, इसका मतलब लास्ट में यहाँ पर भी बी बी आएगा है ना। देख लीजिए लास्ट में किस में, दो ऑप्शन में बी बी है, चारों में है, मतलब आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा। सीरीज आपको दिख रहा है कैसे पूरा हुआ है, ए डबल सी डबल बी ए है ना, यही पूरा करना है। तो देखिए पहले में ए डबल सी फिल करेंगे, यहाँ पे देखिए डबल सी आपने फिल किया, देखिए डबल सी ये ऑप्शन कैंसिल हो गया है ना, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको कंप्लीट चेक करना है कि ऑप्शन नंबर बी ही होल्ड करेगा, तो आप आगे बढ़ जाइए। देखिए यहाँ पे आपने इसको देखा ए डबल सी, ठीक है, तो यहाँ पे ए डबल सी है ना, अब बी बी, और यहाँ पे ए भरेंगे लास्ट में फिर से, देखिए ए डबल सी बी बी ए है ना, फिर ए डबल सी बी बी ए है ना बी बी, तो देखिए यहाँ पे डबल सी ए डबल सी बी बी, ठीक है, डबल सी ए डबल सी बी बी है ना, ये इसका ऑप्शन रहा। तो आपने आराम से फिल कर लिया। सीरीज के क्वेश्चन जब भी मिलेंगे आपको करना क्या है, सीरीज को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देना है ना। अच्छा, अगर आप यहाँ छः पर नहीं करते, तीन तीन में करते तो क्या होता, उसको भी देख लीजिए। देखिए अगर हम यहाँ पे इसको तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, ये रहा है ना, यहाँ से ये रहा, ये देखो, अब तीन तीन पार्ट्स में भी डिवाइड करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए डबल बी यहाँ पे कुछ गैप है, तो देखिए ये सीरीज देखिएगा डबल बी ए ए डबल सी है ना, तो ए डबल सी डबल बी ए ए डबल सी डबल बी ए डबल सी डबल बी ए है ना, वापस से भी वही सीक्वेंस मिल रहा है, डबल सी ए डबल सी डबल बी है ना। तो ये इसका तरीका होता है, आप सीरीज को चाहे तीन में तोड़ेगा चाहे जैसे तोड़ेगा, सीरीज में आपको एक कंप्लीट करके आपको सीरीज फाइंड आउट करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा डेटा दिया है, पिता की आयु उसके दो पुत्रों के आयु के योग की दुगनी है ना, मतलब पिता है उसके दो पुत्र हैं उनकी आयु उसके दुगनी है, 20 वर्ष पश्चात पिता की आयु दोनों पुत्रों के आयु के योग के बराबर हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु बताइए। वाह अच्छा क्वेश्चन, देखिए इसके पास दो पुत्र हैं, मान के चलते हैं दोनों पुत्रों का आयु x है ना, दोनों पुत्रों का है ना, यहाँ पे दोनों पुत्र की आयु कितनी है, दो पुत्र की आयु है x है ना, और पिता की आयु इसकी दुगनी है ना, तो पिता की आयु हो जाएगी 2x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आगे आते हैं 20 वर्ष बाद, 20 ईयर लेटर है ना, जब 20 वर्ष बाद की बात करेंगे ना, देखिए इसका एक लड़का 20 साल बढ़ेगा तो दो लड़का मिलकर 40 साल बढ़ेगा है ना, उम्र हो जाएगी x प्लस 40। ठीक, यहाँ पे पापा अकेले 20 साल बढ़ेगा तो इसकी उम्र हो जाएगी 2x प्लस 20। ठीक, अब 20 को इधर फेंक दीजिएगा, x को इधर फेंक दीजिएगा, अब जैसे ही फेंकेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर 20 है ना, x बराबर 20 तो 2x बराबर 40, पापा की वर्तमान आयु 40 है ना। अगर हम बात करेंगे 20 साल बाद तो 20 साल बाद 60 हो जाएगा, इसमें वर्तमान पूछा है तो 40 कर लेंगे है ना, इसका एक तरीका ये रहा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, अब सातवें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या है, 1 जनवरी 1995 को रविवार था तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको ट्रिक के साथ भी ले जा सकते हैं, बेसिक के साथ भी ले जा सकते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल देखें, डबल डेटेड क्वेश्चन है, डबल डेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 1995 है ना ये दिया है, और फिर 1 जनवरी 1996 ये दिया है। देखिए यहाँ पे 95 ये 1 जनवरी से 1 जनवरी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 95 से 96 जाना है ना, 95 क्या है, 95 नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, एक होते हैं, तो संडे था, संडे में आप एक जोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा मंडे है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो इसको टैकल करने का ये रहा, इसको टैकल करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए अपने कैलेंडर में एक ट्रिक पढ़ा है कि जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर है ना, नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे है ना, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ये दोनों सेम होता है ना, मतलब जो 1 जनवरी को जो दिन रहेगा वही दिन 31 दिसंबर को भी होगा। ठीक, अब समझिए अगर 1 जनवरी 1995 को संडे था, इसका मतलब 31 दिसंबर 1995 को भी क्या होगा, संडे होगा। देखिए 1 जनवरी 1995 ये संडे का दिन था है ना, तो यहाँ पे जो 31 दिसंबर 1995 होगा यहाँ पर भी कौन सा दिन होगा, संडे का दिन होगा है ना। अब संडे के एक दिन बाद नया साल शुरू होगा, 1 जनवरी 1996 आएगा है ना, तो जब 1 जनवरी 1996 आएगा तो संडे के बाद क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा बाकी एकदम बेसिक तरीका हो तो आपको पता ही है कैसे निकालना है। चलिए नेक्स्ट,
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, अगला प्रश्न ये है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा गया है, यदि पांच बच्चे पांच पृष्ठ पांच मिनट में लिख सकते हैं तो तीन बच्चे तीन पृष्ठ कितने मिनट में लिखेंगे, पांच मिनट में, है ना। तो देखिए इसका तरीका क्या होगा, यहाँ पे आप ये MDH वाले मेथड से भी लगा सकते हैं, बाकी आप ऐसे समझिएगा, देखिए पांच बच्चा पांच पृष्ठ लिख रहे हैं पांच मिनट में, है ना, मतलब एक बच्चा एक पृष्ठ लिखने में पांच मिनट ले रहा है, एक मिनट नहीं ले रहा, ये गलती मत करिएगा, ठीक है, काहे नहीं ले रहा। जैसे ऐसे समझो, आपने बेसिक बचपन में पजल सुना होगा, है ना, कि दस कपड़ा दस मिनट में, मतलब दस मिनट में दस कपड़े सूख जाते, तो एक कपड़ा कितने मिनट में सूखेगा। देखो आपने कपड़े को साथ में रखा है ना, तो ये तरीका होता है, यहाँ पे समझिए, इसमें एक फार्मूला होता है MDH/W, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है M फॉर मैन, है ना, M फॉर मैन मतलब कितने आदमी है, है ना, D फॉर डेज कितने दिन है, है ना, H फॉर आवर्स एक दिन में कितने घंटे काम हो रहे हैं, और W फॉर वर्क, है ना। ये MDH का मतलब क्या होता है, MDH की अगर बात करेंगे, अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट है तो आप एक लिखेंगे, दो है तो वन टू करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पे देखेंगे पांच बच्चे, मतलब मेन है पांच, ठीक है, पांच मिनट में टाइम है पांच, है ना। अब यहाँ पे पांच पृष्ठ काम कर रहे हैं, ये भी पांच है, डे की का जिक्र नहीं है तो नहीं करेंगे। अब देखिए आगे पूछा जा रहा है, तीन बच्चे तीन पृष्ठ, देखिए तीन बच्चे, ठीक, तीन पृष्ठ, है ना, और कितना टाइम, है ना, इसकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पांच से पांच कैंसिल, तीन से तीन कैंसिल, H इज इक्वल टू पांच, है ना, ये इसका तरीका है, है ना। तो आप इसको ऐसे बेसिक से भी कर सकते हैं, बाकी जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, पांच बंदर पांच मिनट में पांच केला खाता है, तो एक बंदर एक मिनट में एक केला, नहीं देखिए एक बंदर पांच मिनट, देखिए ऐसे समझिए खाली, पांच बंदर पांच मिनट में पांच केला खाता है, तो एक बंदर कितने मिनट में एक केला खाएगा, पांच मिनट में ही खाएगा, ठीक है, ये तरीका होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं अगले पैटर्न पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये दिया है, एक पार्टी में एक पार्टी में कितने मित्र हैं, आठ मित्र हैं, है ना, मिलते हैं, है ना, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, तो संभावित हाथ मिलाने की संख्या, वही फिर से बेसिक वाला क्वेश्चन, है ना, एन ब्रैकेट में N-1/2। जब भी हैंडशेक का क्वेश्चन हो, है ना, और वो किसी सर्कुलर टेबल पे ना बैठे हो, है ना, ऐसे रैंडम हाथ मिलाए जा रहे हैं, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, तुरंत बन जाएगा, एन मतलब मिलाए गए हाथों की संख्या, मित्र कितने, आठ, तो आठ में से एक गया सात, सात और बटे दो, है ना, यहाँ पे सात चौका 28, कुल मिला जुला के 28 बार हाथ मिलेगा, है ना। इसका तरीका क्या होता है, बेसिक क्या होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रखा है, पीछे वाले वीडियो में, है ना। चलिए तो ये हो गया, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये दिया है कि जो संबंध 3 का 11 से, वही संबंध 7 का किससे होगा, ठीक है, 3 से आप 11 बनाओ, ठीक है, देखो क्या क्या आप सोच सकते हैं, 3 चौका 12, है ना, -1, 7 चौका 28, -1, 27, नहीं देखा, है ना। इसके बाद डायरेक्ट आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, 3 का स्क्वायर + 2, 3 3 9 2 11 सही है, 7 का स्क्वायर 49 + 2 51, है ना, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। आप ये भी सोच सकते हैं 3 × 3, बात तो वही है, क्योंकि स्क्वायर करिए या फिर मल्टीप्लाई करिए सेम ही रहेगा, है ना। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को कवर किया है, ये 10 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको CSAT के पेपर में देखने के लिए आसानी से मिल सकते हैं, है ना। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आप इसमें अगर देखेंगे पहले प्रश्न को, तो पहले प्रश्न को हल करने का तरीका क्या होगा, इसमें सही स्टेटमेंट नहीं है, कुछ ना कुछ डेटा मिसिंग है, हम लोगों ने फिर भी मान के किया था, तो इसका आंसर ए बना था, ठीक, ये अपनी जगह है, बाकी जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे मिसिंग इन्फॉर्मेशन नहीं रहेंगे, है ना। तो चलिए ये आज की हम लोगों की क्लास है, आप उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको BPSC में 100% देखने के लिए मिलेंगे, और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, वहाँ पे आपके क्वेश्चंस गलत होंगे, तो इससे अच्छा है कि आप पहले से प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार पाने के लिए। आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन, कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।